डोकलाम को लेकर चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारत को जापान का मिला साथ, साथ ही युद्ध उन्मादी चीन को दी सलाह। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के सीईओ एमडी पद से विशाल सिक्का ने दिया इस्तीफा, प्रवीण राव लेंगे उनकी जगह। एलएसी पर चीन से निपटने को तैयार है भारत, इसी तनाव के चलते जल्द लद्दाख जाएंगे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों में महामारी का तेजी से रूप ले रहा है स्वाइन फ्लू। आतंकी हमलों से दहला स्पेन, 13 की हुई मौत, पुलिस ने 4 आतंकी को मार गिराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर गबन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का दिया निर्देश। जापान के पीएम शिंजो आबे अगले महीने आएंगे भारत, साथ ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सेरेमनी में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जवानों के समर्थन के लिए एक्टर अक्षय कुमार की प्रशंसा की, साथ ही उनके द्वारा किए गए ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा कि अक्षय कुमार जी, भारत के वीरों को आपका समर्थन सराहनीय है। 2018 में न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में 14 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, फाइनल 3 फरवरी को खेला जाएगा। सितंबर में भारत आ रही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से मिशेल स्टार्क हुए बाहर, फॉकनर की हुई टीम में वापसी। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।